Hey guys and welcome back to another video. तो अगर आप एक ट्रैवलर हो, आप ट्रैकिंग पे जाते हो, इधर उधर कभी घूमने काफी रेगुलरली जाते हो, या आप व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो, स्पेशली मोटो व्लॉगिंग, मेरे पास एक एक्शन कैमरा आया है SJ Cam का, विच इज SJ8 Pro, जो मुझे लग रहा है काफी अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है, स्पेशली अगर आप बजट में एक काफी फीचर लोडेड एक्शन कैमरा प्लान कर रहे हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट SJ Pro एक्शन कैमरा. तो पहले इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आता क्या क्या है, बिकॉज बाहर तो काफी डिटेल्स दी गई हैं. SJ8 Pro एक्शन कैमरा 4K अप टू 60 FPS, ये किसका बहुत हाईलाइटिंग फीचर है जो है रेड कलर में लिखा हुआ है, और बहुत सारी चीजें जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो सबसे पहले है यहाँ पे ये SJ8 Pro एक्शन कैमरा, जिसके साथ आपको वाटरप्रूफ केसिंग मिलती है. सो ये जो एक्शन कैमरा है ये इस केस के साथ ही आता है, आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा. तो एक बार इसको बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, इस वाले बॉक्स को भी. तो ये है इसका वाटरप्रूफ केसिंग, जिसको यूज करके आप इस एक्शन कैमरा को अप टू 90 फीट पानी के अंदर लेके जा सकते हो. एक काम करते हैं, इसको पहले साइड में रखते हैं, पहले बॉक्स में देखते हैं बाकी क्या क्या चीजें हैं. यहाँ पे दो कंपार्टमेंट्स हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं जहाँ मेजर एसेसरीज मिलती हैं. सबसे पहले है मैनुअल, इसको पढ़ लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक्शन कैमरास की मैनुअल पढ़ना जरूरी है कि इसके अंदर क्या फीचर्स हैं क्या नहीं है. अब एक ऐसी एसेसरी जो मुझे काफी बढ़िया लगी, जो मैंने बहुत कम देखा है किसी भी एक्शन कैमरा में, और वो है ये. इसके अंदर आपको मिलता है ये वाटरप्रूफ केस, जिसकी जो बैक है वो टच स्क्रीन एनेबल कर देती है आपके लिए. तो नॉर्मली ये जो वाटरप्रूफ केसिंग होती है ना, जो मोस्टली मैंने देखी है, सब में हार्ड प्लास्टिक होता है, जहाँ पे आप टच स्क्रीन को यूज़ नहीं कर सकते. बट इन्होंने काफ़ी सही चीज़ प्रोवाइड करी है, जहाँ पे ये जो बैक है इसका, इसको यूज़ करके आप वाटरप्रूफ केसिंग के साथ टच स्क्रीन अपनी यूज़ कर सकते हो. उसके बाद कुछ एसेसरी जो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ये है एडहेसिव माउंट्स. तो ये जो दो माउंट्स हैं, ये आपके एक कर्व्ड है एक फ्लैट है, तो ये आपको दो एक्सटेंशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो. उसके बाद आपके पास ये एक माउंट है, जिसको आप अपनी साइकिल या बाइक के हैंडल पे लगा सकते हो, अगर आप मोटो व्लॉगिंग करना चाह रहे हो. और कुछ और यहाँ पे एक्स्ट्रा एसेसरीज और आपको क्वार्टर इंच माउंट वाले हेड्स मिल जाते हैं. एक क्लीनिंग क्लॉथ है और कुछ एडहेसिव हैं एक्स्ट्रा, अगर ये जो आपका बेस है ये ख़राब हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा एडहेसिव यूज़ कर सकते हो. और स्टिकर्स, ओके ग्रेट, तो दो स्टिकर्स भी हैं इसके साथ बॉक्स में. उसके बाद देखते हैं दूसरी साइड में बॉक्स के क्या क्या है. ओके सो ये है आपकी USB टाइप सी केबल, तो ये आपको चार्जिंग के लिए काम आएगी. उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा, यार ये तो काफ़ी एक्स्ट्रा है, मतलब जो एडहेसिव माउंट्स हैं ये दो और आपको माउंट्स मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो एसेसरीज तो काफ़ी लोडेड हैं इस बॉक्स के अंदर. अब फाइनली बात करते हैं SJ8 Pro एक्शन कैमरा की. तो यहाँ पे दो फिजिकल बटन्स हैं, ये है पावर वाला, इसको एक बार ऑन कर लेते हैं. तो इस तरह से बैक में SJ Cam लिखा हुआ आता है और ये ऑन हो चुका है. अब एक चीज़, मैं इसको ऑलमोस्ट 7-8 दिन से यूज़ कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ कुछ सैम्पल्स लेने के लिए भी. एक जो चीज़ मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी वो है इसकी स्क्रीन, मतलब जो स्क्रीन का आपको व्यू दिखता है ना, एक तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, 2.33 इंचेस का इसका टच स्क्रीन इंच है, और काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी अच्छा, अगर मैं धूप में भी शूट कर रहा हूँ एक हद तक मुझे अच्छा इसमें डिस्प्ले दिख जाता है. टच सेंसिटिविटी की मैं एंड में बात करूँगा, बिकॉज मुझे कुछ शेयर करना है उसके बारे में. बाकी एक ऊपर की तरफ आपके पास बटन है जो रिकॉर्ड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. एंड साइड में यहाँ पे एक पोर्ट है सी टाइप का, तो चार्जिंग जो पोर्ट है वो सी टाइप है, दैट इज़ अ गुड थिंग. इसको आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हो. और SJ Cam का ये एक माइक्रोफोन आता है, तो ये आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी सी टाइप आपको मिलता है, तो कोई अलग से एक्सटर्नल कुछ वो अडाप्टर वगैरह नहीं चाहिए, डायरेक्टली माइक इसमें लग जाएगा. मैं इसका सैम्पल आपको आगे दिखाऊंगा. उसके बाद नीचे आपका बैटरी का कंपार्टमेंट है और यहाँ पे कार्ड लगता है, तो अगर मैं इसको इस तरह से हटाऊं, ये है आपकी बैटरी. बैटरी की अगर मैं बात करूं, 1200 mAh की बैटरी है, और इसका जो बैकअप है दैट इज़ अराउंड, जो SJ Cam प्रॉमिस करता है वो 90 मिनट्स है. बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, आप अगर 4K पे शूट कर रहे हो, चाहे वो 30 हो या 60 FPS हो, आप लगा लो 50 से 60 मिनट आपको आउटपुट मिल जाएगा अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो. उसके बाद यहाँ नीचे क्वार्टर इंच माउंट है, जहाँ पे आप अपना गोरिल्ला पॉड ट्राईपॉड कुछ भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो. अब अगर मैं आगे की साइड आऊँ, यहाँ पे एक और डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो कितना ड्यूरेशन हुआ है, कौन सा रेजोल्यूशन है, क्या टाइम हो रहा है, बैटरी, सारी चीज़ें आपको आगे दिख जाती हैं. अब SJ8 Pro में इन टोटल दो माइक्रोफोन्स हैं, एक यहाँ पे आगे की तरफ है लोगों के साथ और एक है यहाँ पे साइड में, तो ये इसको हेल्प करता है
है कि ज़्यादा अच्छे से साउंड कैप्चर कर सके आगे से भी जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो एंड साइड से भी। ऊपर की साइड इसका माइक्रोफोन है एंड ऑब्वियसली आगे है हमारा प्राइमरी लेंस जहाँ से हमारी वीडियो और फोटोज रिकॉर्ड होती हैं। और हाँ, एक और चीज़, आप SJ8 Pro को अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग द ऑफिशियल ऐप, और ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने मोबाइल से मोड चेंज कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, रेजोल्यूशन सेटिंग सब कुछ चेंज आप फोन से कर सकते हो। अच्छा, तो अब फाइनली बात करते हैं रिजल्ट्स की, आउटपुट की, और आपको अंदर मेन्यू में क्या क्या रेजोल्यूशन और ऑप्शन मिलती हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसके एंगल ऑफ व्यू से। तो जब आप वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं, फोटोज भी लेते हो, जो इसका वाइड एंगल है वो है 170 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू, जो काफी वाइड होता है। F2.8 पे है तो काफी अच्छी लाइट इसका सेंसर रिसीव कर पाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द सेंसर, यहाँ पे है 12 मेगापिक्सल का सोनी IMX377। तो ये सोनी का सेंसर यूज कर रहा है, जिसका आउटपुट मैं अभी आपको सैंपल्स आगे दिखाऊंगा, तो विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। उसके बाद अगर मैं स्टेबिलाईजेशन की बात करूं, आपको डेडिकेटेड सेंसर बेस्ड जायरो स्टेबलाइजेशन मिलता है, जो अप टू 6x काम करता है। यहाँ पे आप सैंपल्स और कंपैरिजन देख सकते हो, और यहाँ से आप काफी क्लियरली देख सकते हो स्टेबलाइजेशन जो है वो काफी फुटेज को स्टेबलाइज कर रहा है। मेरे हिसाब से स्टेबलाइजेशन काफी बढ़िया लगी मुझे। बस एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा, जो आपका रेजोल्यूशन है वो एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा, 4K में अप टू 30 fps और 1080p में अप टू 60 fps पे ही आप जायरो स्टेबलाइजेशन यूज कर पाओगे, तो वो चीज आप ध्यान रखना। अब हम रेजोल्यूशन की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। 4K में अगर मैं जाता हूँ तो आप अप टू 60 fps शूट कर सकते हो, बाकी आपको 50 fps, 30, 25, 24 का भी ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपके पास 2.7K का भी ऑप्शन है, 1440p। अगर आप 1080p पे जाते हो तो आप 120 fps तक शूट कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत अमेजिंग स्लो मोशन फुटेज मिल सकती है। देन ऑब्वियसली आपके पास 60, 50, 25, 24 ये सारे ऑप्शन तो हैं ही। अगर आप 720p तक जाते हो, जो मैं सजेस्ट नहीं करता, आप 240 fps तक स्लो मोशन कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं मोड्स पे जाऊं, आपके पास वीडियो लैप्स है, जो बेसिकली आपका टाइम लैप्स ऑप्शन है, देन स्लो मोशन आप कैप्चर कर सकते हो, देन फोटो है, फोटो लैप्स है, बर्स्ट मोड है, एंड वीडियो प्लस फोटो का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। तो अब मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ, पहले वीडियो के एंड देन हम फोटो के सैंपल्स देखेंगे। अब ये जो सैंपल है ये मैं शूट कर रहा हूँ 4K at 30 fps पे, सो यू विल गेट टू सी 4K में कैसा फुटेज आता है। अभी एकदम डे लाइट है और मैं चलते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जायरो स्टेबलाइजेशन जो इसमें है उसका भी टेस्ट हो जाएगा बढ़िया। एंड ऑल्सो दी ऑडियो, ये इंटरनल माइक से ऑडियो आ रहा है, एंड पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो यू विल गेट टू सी कैसे नॉइस रिडक्शन करते हैं, कैसा ऑडियो आ रहा है। सो अब मैं स्विच करता हूँ एक्सटर्नल माइक में, लेट्स सी जो SJKM का एक्सटर्नल माइक है उसका कैसा परफॉर्मेंस है। सो मैंने इसका एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा लिया है, जो SJKM का ही अपना एक्सटर्नल माइक्रोफोन है, तो अगर आपको ऑडियो में कुछ डिफरेंस लग रहा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड ये बेसिकली आपके पास ऑप्शन है अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो एंड यू वांट कि आपके पास लेपल माइक हो, जो अगर डिस्टेंस भी आप चेंज कर रहे हो अपने SJ8 Pro का, अगर कहीं दूर भी रख रहे हो, सो स्टिल दिस माइक, मतलब इस वायर का आप लेंथ देख सकते हो, इट्स गुड इनफ। तो आई थिंक अराउंड 4 feet आराम से इसके साथ आप जा सकते हो। अब ये सैम्पल मैं शूट कर रहा हूँ 1080p at 30 fps का वाइल वॉकिंग, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 4K एंड 1080p में कितना डिफरेंस है। स्टेबलाइजेशन अभी जो मैंने सैंपल देखा उसमें मुझे बढ़िया लग रहा है जायरो स्टेबलाइजेशन। बाकी ऑडियो इंटरनल है माइक्रोफोन से, सो दिस इज अनदर सैंपल जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इसके परफॉर्मेंस का। सो मैं कुछ टाइम लैप्स के सैंपल्स लेने कार में, मैंने आगे लगा रखा है SJKM 8 Pro टू कैप्चर सम टाइम लैप्स, तो देखते हैं सैंपल कैसा आता है। इतनी गर्मी हो रखी है बाहर, मैं 10 मिनट से कार में बैठा हूँ AC ऑन करके, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड जो आउटडोर अभी आपने सैंपल देखा, आई टू क्विकली चेंज और फिर मैं वापस आ गया। एनीवेज, बैक टू टाइम लैप्स सैंपल। तो अभी मैं टाइम लैप्स का आउटपुट देख रहा था और तभी बैटरी एकदम खत्म हो गई। सो टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल बैटरी लाइफ, 15 मिनट में मैंने टाइम लैप्स लिया है। उससे पहले मैं आधा घंटे के आसपास वीडियो शूट कर रहा था, दोनों ही 4K में था, तो ये प्रैक्टिकली लाइक 50 मिनट तक आपको 4K में इसका बैटरी मिल जाता है।
यहाँ पे आप कुछ फोटो के सैंपल्स देखोगे जो मैंने सब 12 मेगापिक्सल पे शूट करे हैं। आप यहाँ पे डिटेलिंग देख सकते हो, क्लैरिटी, सैचुरेशन, सब आप यहाँ पे इमेज सैंपल्स में से अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मुझे फर्स्ट लुक में काफी डिसेंट रिजल्ट लग रहा है। पर एक बढ़िया चीज मुझे क्या लगी S8 Pro के बारे में कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं वाइट बैलेंस को एडजस्ट करने के, ऑटो भी है, उसके बाद आपके पास काफी इंटरेस्टिंग प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं, आप वो भी चूज कर सकते हो। कलर प्रोफाइल भी है, SJ कैम विविड लेना चाह रहे हो या फ्लैट प्रोफाइल, फ्लैट में आपको थोड़ा एडिटिंग में अच्छा स्कोप मिल जाता है। उसके बाद मीटरिंग मोड आप एडजस्ट कर सकते हो, ISO का भी ऑप्शन है, ISO आप मिनिमम 100 ISO तक जा सकते हो और जो मैक्सिमम ISO है आप उसको 6400 तक लेके जा सकते हो। देन शटर स्पीड की मैं बात करूं, यहां पे बहुत बढ़िया चीज है, आप हाईएस्ट 1/500 जा सकते हो मैन्युअली और जो स्लोएस्ट है ना वो आप 60 सेकंड्स तक जा सकते हो। तो अगर बहुत लो लाइट सिचुएशन है आप लॉन्ग एक्सपोजर इजीली इससे कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद एक और बढ़िया चीज, आपके पास रॉ मोड है, आप रॉ प्लस जेपेग भी शूट कर सकते हो या आपको अगर उतना एडिटिंग में नहीं जाना तो आप सीधे से जेपेग में भी शूट कर सकते हो। तो फीचर्स तो काफी लोडेड है S8 Pro में, रिजल्ट्स में आपको दिखा चुका हूं। अब बात करते हैं कुछ एक दो चीजें जो मुझे इसमें इतनी अच्छी नहीं लगी। और सबसे पहली चीज मैं बात करना चाहूंगा इसका टच रिस्पॉन्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, स्क्रीन बहुत अच्छी है, वाइब्रेंट है, आपको बहुत अच्छा दिखता है। बट एक चीज जो मुझे लगा, काफी बार जब मैं मेन्यू में स्क्रोल कर रहा होता ना, स्पेशली यहाँ पे, तो कई बार क्या होता है मैं स्क्रोल करते करते ना कहीं टैप हो जाता है किसी एक फीचर पे। सो वो एक चीज मुझे बस थोड़ा सा लगा, एक फ्लॉ मुझे लगा, जो मुझे लग रहा है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड से शायद ये लोग सही कर सकते हैं। दूसरा चीज मुझे लगा कि इसका बिल्ड क्वालिटी बजट के हिसाब से सही है, बट थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट आई थिंक इट इज़ गुड इनफ। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हो सही रहेगा, बट अदरवाइज आई थिंक जिस प्राइस पे ये एक्शन कैमरा आता है, अमेजोन पे आपको 15,000 से 17,000 के बीच में इसका प्राइस मिल जाएगा, जो मुझे लगता है अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी कॉम्पिटिटर्स से जो ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे हैं, आई थिंक इस प्राइस रेंज को ये पूरा जस्टिफाई करता है। जिस हिसाब से सैम्पल्स हैं, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, फीचर्स हैं, आप 4K 60, 1080p, 120fps पे शूट कर सकते हो, जायरोस्कोप है, 6 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन विच इज़ एक्चुअली गुड। सो आई थिंक फीचर पैक्ड है। अगर आप बजट में एक ऐसा एक्शन कैमरा देख रहे हो जिसमें आप अच्छी फुटेज निकाल सकते हो, आप ट्रैवल करते हो, आप व्लॉगिंग करना चाह रहे हो, सो आई थिंक दिस इज वन गुड ऑप्शन। बट आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट थोड़ा अपने एंड से और रिसर्च कर लेना बिफोर यू परचेज। अगर परचेज करना है मैं इसके बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आप कमेंट करके बताना अपने व्यूज, आपको S8 Pro का रिजल्ट कैसा लगा, आई वुड लव टू नो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।